बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर कामरान जमशेद। इससे पहले बाज़ डॉक्टर हजरात, हकीम वगैरह कैप्सूल जो है अपने ख़ास फार्मूले जो है वो भरा करते थे कैप्सूल के अंदर, और उनको जो है वो हाथ से फिलिंग करनी पड़ती थी, जो एक मुश्किल काम था और हाथ में पसीना वगैरह लगता था, कैप्सूल की रंगत तब्दील हो जाती थी, कुछ दवा लग जाती थी उसके ऊपर। तो उसके लिए जो है वो ज़रूरत इस बात की महसूस की गई कि एक कैप्सूल फिलिंग मशीन होनी चाहिए। वो लोग जो बहुत बड़ी बड़ी मशीनें नहीं ख़रीद सकते, चार चार पाँच पाँच लाख रुपए की, उन्हें कम कीमत में जो है कैप्सूल फिलिंग मशीन मैनुअल जो है वो फराहम की जाए। तो ये पाकिस्तान में पहली मरतबा मैंने एक बात की कोशिश की है कि लोगों को इस सिलसिले में आसानी हो और एक साथ 100-100 कैप्सूल जो है वो भरे जा सकें। इसमें कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगता, जिन लोगों को प्रैक्टिस हो जाती है वो लोग बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो इस काम को कर लेते हैं। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि लोग जो है वो इस तरह से करके कैप्सूल को फिल करते थे। तो इसमें बाहर जो है वो भी लग गया, पाउडर भी लग गया, तो ये पसीना भी लग गया, तो कैप्सूल की भी हालत ख़राब हो जाती थी, खुसूसन गर्मियों के मौसम में। तो इसकी ये ज़रूरत महसूस की गई, तो ये जो है मशीन बनाई गई है। ये इसका प्रेस है, ये प्रेस है, इसके ज़रिए जो है वो हम पाउडर को प्रेस करते हैं ताकि अच्छी तरह से फिलिंग हो जाए। और इसके बुनियादी तौर पे ये तीन पार्ट हैं, जिसमें से एक पार्ट जो है मेरे हाथ में है, ठीक है, और एक पार्ट ये है जिसमें आर पार सुराख हैं। और इसमें हम क्या करते हैं कि ये इसका तरीक़ेकार मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको हम किसी भी प्लेन जगह पे रख देते हैं और इसके ऊपर जो है इसका दूसरा पार्ट रखते हैं, और इसके बाद जो है वो इसमें कैप्सूल की फिलिंग करते हैं। कैप्सूल के नीचे वाला हिस्सा जो है वो हम इसमें लगाते हैं। तो मैंने ये पहले से दोनों हिस्से अलग कर लिए हैं, तो ये मैं आपको लगा के दिखा रहा हूँ कि ये सिलसिला जो है वो कैसे होगा। कोई इसमें ज़्यादा देर नहीं लगती, ये जल्दी से काम हो जाता है। आप देख रहे हैं कि कैप्सूल जो है वो अच्छे तरीके से बिल्कुल नीचे चला गया है, और इसमें जो है वो हम थोड़ी देर के बाद पाउडर जो है वो फिल करेंगे, और आप देख लीजिए कि इससे जो है वो आपको कितनी आसानी होगी। और ये चीज़ जो है वो आपको किसी और जगह से अभी तक आपको नहीं मिलेगी। चाइना की एक मशीन आई हुई है, लेकिन चूँकि आजकल इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद है, लेकिन उसमें जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया है वो समझें कि वो अलग किस्म का फूड ग्रेड का प्लास्टिक नहीं है। बाज़ मशीनों में फूड ग्रेड का प्लास्टिक है, हमारी जो मशीन है ये एग्रेलिक नाम की चीज़ में बनी हुई है और टोटली ये पाकिस्तानी मटेरियल है इसके अंदर। और इसमें जो है वो कैप्सूल भरने में आसानी है, जब आपके पास आपकी खपत बहुत ज़्यादा हो तो आप इसको जो है वो किसी दूसरी मशीन को इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें जो दूसरी मशीनें आती हैं उसकी कीमत जो है वो लाखों में है, लेकिन अगर आपका कोई काम जो है वो चल रहा है, बहुत ज़्यादा उसके लिए नहीं चाहिए मशीन, तो ये छोटी मशीन जो है वो मैनुअल मशीन जो है वो काफ़ी जगह पर लोगों ने मंगवाई है, पिंडी, इस्लामाबाद, मरी, एबटाबाद वगैरह में बाज़ शौकीन डॉक्टरों ने और हकीमों ने जो है वो इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कराची में भी लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, हकीम हजरात, तो ये उनके लिए बहुत ही सस्ता जो है वो आइटम है और मज़बूत भी है और टोटली पाकिस्तानी मटेरियल में जो है ये बना हुआ है। और इसमें कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन वगैरह नहीं होता जिससे जो है वो आपकी दवा जो है वो ख़राब हो। तो ये मैंने तकरीबन आधे से ज़्यादा जो है वो कैप्सूल इसके अंदर भर लिए हैं। इसकी तादाद कुल 100 है, 100 कैप्सूल जो है वो एक वक्त में आप भर सकते हैं।
इसमें ये भी होता है कि बाज़ लोग जो है वो मुख्तलिफ़ साइज़ की चीज़ मांगते हैं, तो उनको जो है वो मुख्तलिफ़ साइज़ की चीज़ हम जो है वो दे सकते हैं। और ये कैप्सूल डबल चला गया था एक खाने में। लोग कहते हैं कि हमें जो है ना वो कोई दूसरा साइज़ चाहिए, छोटा, इससे छोटा, इससे बड़ा। तो जो आप साइज़ कहेंगे वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। अच्छा, एक मसला ये होता है कि लोग सवाल करते हैं मुझसे कि एक साथ एक ही शीट में जो है वो मुख्तलिफ़ साइज़ के जो है वो कैप्सूल जो है वो बन सकते हैं, इसमें नहीं बन सकते। तो भाई, मैं तो हूँ पाकिस्तानी, और चाइना के लोग जो है वो हमसे कहीं आगे है बेचारे, वो भी ये काम नहीं कर सके कि एक ही मशीन में जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के कैप्सूल जो है वो बन जाए, डल जाए, पैक हो जाए। तो इस तरह का काम जो है वो लोग भी नहीं कर सके, और उम्मीद है कि आइंदा 10 सालों में शायद ये काम मज़ीद ना हो सके। इसके लिए एक वक्त में एक साइज़ का कैप्सूल ही लगेगा। हाँ, अलबत्ता ये हो सकता है कि अगर आपको आपकी खपत ज़्यादा है तो इसमें जो है वो आप हमसे जो है ये 200 कैप्सूल जो है वो भी, उसकी भी मशीन हमसे बनवा सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है, साइज़ बड़ा हो जाता है। आप देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम यही करेंगे कि इसको जो है वो मज़ीद इसका साइज़ जो है बढ़ाना किया जाए। अगर कुछ लोग जो है वो उनका काम यानी कि मामूली, जैसे कोई लोग दालचीनी वगैरह या कोई हल्दी या कोई इस तरह की चीज़ इसमें डालना चाहते हैं, तो उनके लिए हमने छोटी मशीन बनाई है जिसमें 10 कैप्सूल जो है भरे जा सकते हैं। तो अब ये आप हमारा जो है वो मरहला जो है पूरा हो गया है तकरीबन। इसमें जो है वो हमने 100 के करीब नीचे वाले कैप्सूल जो है वो भर लिए हैं, और अब हम इसमें पाउडर डालेंगे, और पाउडर डाल के जो है वो आपको दिखाएंगे मज़ीद आगे चल के क्या कुछ करना है इसका। हमने कैप्सूल सारे भर लिए हैं, और अब ये सेंटर की जो प्लेट है ये इसको हम रिमूव कर रहे हैं यहाँ से, और आप देख रहे हैं कि ये कैप्सूल जो है वो सारे नीचे गिर गए हैं, और कुछ थोड़ी सी हम यहाँ पर सपोर्ट दे रहे हैं ताकि ये जो बाकी कैप्सूल है वो भी नीचे चले जाएं। ये कैप्सूल तकरीबन सारे ही जो है वो अंदर चले गए हैं सिवाय चंद एक के। बाज़ दफ़ा कैप्सूल का जो खोल है वो टेढ़ा हो जाता है और उसकी वजह से कैप्सूल जो है वो उसमें फंस जाते हैं। कोशिश करें कि जो आप कैप्सूल इस्तेमाल करें उसको दबाएं नहीं। और ये जो है वो हमारी तमाम कैप्सूल जो है इसमें फिल हो गए हैं। अब इसमें हम इसकी कैपिंग करेंगे। ये देखिए कि ये कैप ज़रा सा ऐसे टेढ़ा करें तो ये कैप्सूल के जो है कैप आसानी से इसमें लग जाए। अगर अगर ये किनारा वगैरह ख़राब होगा तो, या नीचे वाला किनारा ख़राब होगा कैप्सूल का, तो कैप्सूल को लगाने में ज़रा मुश्किल होगी। मैं एक दफ़ा फिर बता देता हूँ आपको कि इस कैप्सूल को ज़रा सा टेढ़ा करें और ये कैप्सूल जो है वो इस तरह से लग जाएंगे, और बाकी कैप्सूल की वीडियो जो है वो आप देख रहे हैं। ये कैप्सूल हमारे भर गए हैं, सारे कैप लग गए हैं इसके ऊपर। अब हम इनको कोशिश करेंगे कि उल्टा करके निकाल दें। बाज़ दफ़ा ये पाउडर ज़्यादा फिलिंग होने की वजह से फंस जाते हैं, जिसमें से इक्का दुक्का जो है वो रह जाते हैं, तो उसको हम जो है ये बैग पे प्रेस लगा के इसको निकाल सकते हैं। ये हमारी मशीन जो है वो खाली हो गई है,
ये कैप्सूल नीचे पड़े हुए हैं, अब आपको इनको हिफाजत से निकाल सकते हैं। ओके, बंद करो।